तो स्टूडेंट सिंपली आपको यूपीपीसीएल सर्च करना होगा क्रोम ब्राउजर में। चलिए हम यहाँ सर्च कर देते हैं, और जैसे ही सर्च करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट नंबर पर ही आपका upenergy.in वाली साइट आ जाएगी, वेलकम टू उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाली, जो लिखा हुआ है उसके नीचे देखेंगे वैकेंसी या रिजल्ट लिखा हुआ, इस वैकेंसी या रिजल्ट पर क्लिक करेंगे और ओपन होने देते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गुड न्यूज है। और फर्स्ट नंबर वाली यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे ही देखेंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस, और यहाँ पर बी ओ डाउनलोड पर कर देंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आपका ओपन होगा आप देखेंगे कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे पूरा यहाँ डिटेल में दिया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों ट्रांसको हेतु अवध अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं अवध अभियंता प्रशिक्षु इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या, इतना विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत अवध अभियंता प्रशिक्षु इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एवं अवध अभियंता प्रशिक्षु विद्युत के पदों पर चयन हेतु क्रमशः दिनांक 25 मार्च 2021 एवं 7-8 सितंबर 2021 को संपन्न ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी एवं रिस्पॉन्स की के विद्युत अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए सभी पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन एवं नॉर्मलाइजेशन के पश्चात ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता अनुसार शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अभिलेखों की जांच के आधार पर पदवार तथा श्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेष्ठता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची अनुक्रमांक के 36 बढ़ते क्रम में निम्न नंबर थे। तो ये जो आपका रोल नंबर दिया गया है और 36 के हिसाब से दिया, मतलब कि आपका रोल नंबर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर सभी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका ये रोल नंबर है। तो अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन टू यू, आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। और जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, जो कि अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है UPPCL का। और यहाँ पर देखिए बहुत ही गुड न्यूज है कि यहाँ पर दे दिया है आपका कटाप भी साथ में। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए कटाप दिया, UR का 147.179 गया है, EWS का 147.560 गया है, OBC का देखेंगे NCL का तो 144.311 दिया है, SC का 124.751 गया है कटाफ, ST का 109.468 गया है, और उसके बाद EXSM का 81.550 गया है, DFF का 92.854 गया है, PH का 115.000 गया है, उसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 130 गया है, UR का 130.489 और EWS का इसमें CT नहीं था शायद, और OBC का आपका देखेंगे तो 112.392 गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, SC के लिए 105 गया है, ST के लिए इसमें CT नहीं था, और EXSM के लिए 99.778 गया है, DFF के का CT नहीं था, PH का CT नहीं था। देखिए ऊपर लिखा गया मेरिट लिस्ट नहीं है, यद्यपि उपरोक्त परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन में सभी प्रकार की असावधानी अपनाई गई, फिर भी मुद्रा त्रुटि के लिए विद्युत सेवा आयोग सभी प्रकार के भूल चूक सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस सूची में अनुक्रमांक के प्रकाशन मात्र से अंतिम रूप से सफल चयन किए जाने वाले तथा नियुक्ति प्राप्त किए जाने का कोई अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं माना जाएगा, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जाएंगे, सचिव विद्युत सेवा आयोग, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही गुड न्यूज है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के यहाँ जिनको की रिजल्ट का वेट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चलिए वीडियो का विकल्प दिखा दो, जय हिंद वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह तड़कता भड़कता आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स टू सी दिस वीडियो।